Hey guys, assalamu alaikum. Today we are making very delicious mango custard trifle. सबसे पहले 4 से 5 ग्लास मिल्क लेंगे फुल फैट मिल्क. उसको अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे. ब्रिंग इट टू बॉयल. मीडियम रखेंगे, आँच रखेंगे मीडियम एंड देन एड 1 कप शुगर. अच्छे से मिक्स करेंगे इस पॉइंट पे. इसको अच्छे से हिलाने के बाद हम बनाएंगे अपना कस्टर्ड मिक्सचर. 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे, फिर 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क लेंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारा पूरा कस्टर्ड पाउडर इसमें घुल जाए मिल्क में. देन आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें अपना मिक्सचर डालते रहेंगे और हिलाते जाएंगे. एड ग्रेजुअली एंड मिक्स वेल. अच्छे से पकने के बाद हमें चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे. फिर हम अपने 3 से 4 मैंगोज कट कर लेंगे एंड देन उसके बाद आप कोई सी भी फ्लेवर की जेली बनाएं. मैंने मैंगो ही जेली बनाई थी क्योंकि मैंगो कस्टर्ड था इस वजह से. एंड देन क्रश बिस्किट ले लें, जेली, कस्टर्ड, मैंगोज एंड एक बाउल. अब सबसे पहले उस बाउल में कस्टर्ड डालें एंड देन क्रश बिस्किट. बिस्किट आप बिस्किट ले सकते हैं, केक ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी. क्योंकि ट्राइफल है तो 3 लेयर्स आएंगी इसमें. एंड देन फिर मैंगोज़ डालें. मैंगोज़ भी अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो कम डालें. इट्स अप टू योर चॉइस. एंड देन उसके बाद जेली डालें. अच्छे साइड में डालेंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो दिखे भी कि हमने क्या किया, उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं. एंड देन उसके बाद फिर हम दोबारा से अपना कस्टर्ड पोर कर देंगे. जो हमने रिमेनिंग कस्टर्ड बचाया था उसको हम पोर कर देंगे इसमें. एंड देन हम थोड़ी सी ऊपर जली डाल लेंगे, क्रीम डाल लेंगे, क्रीम से गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर मैंगोज़ डाल लेंगे. एंड देन हमारा जो कस्टर्ड ट्राइफल है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा और उसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अच्छे से. एंड देन चिल सर्व करेंगे. बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनता है गाइज. डू ट्राई एंड लेट मी नो इफ़ लाइक माई वीडियो. डू कमेंट एंड सब्सक्राइब. जजाकअल्लाह.